ऋषि कपूर के निधन से उनकी पत्नी नीतू कपूर को गहरा सदमा पहुंचा है। नीतू कपूर ने एक नया पोस्ट शेयर किया है। इस बार उन्होंने मुकेश अंबानी और उनके परिवार का तहे दिल से शुक्रिया किया है उनके लगातार सपोर्ट और मदद के लिए। एक तस्वीर के साथ नीतू कपूर ने कैप्शन में लिखा, फॉर अस एज अ फैमिली द लास्ट टू इयर्स हैव बीन अ लॉन्ग जर्नी, देयर वर गुड डेज, देयर वर अ कपल ऑफ बैड डेज टू, नीडलेस टू से इट वाज फुल ऑफ हाई इमोशन, बट इट्स अ जर्नी वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू कम्प्लीट विदाउट द इमेजरेबल लव एंड सपोर्ट ऑफ द अंबानी फैमिली। As we have gathered our thoughts over the past few days, we have also tried to find the words to express the gratitude we feel towards the family for the countless ways in which they have seen us safely through this time. Over the last 7 months, every member of the family has gone above and beyond in every way possible to care for our beloved Rishi and ensure he experienced as little discomfort as possible, from ensuring he was medically attended to making frequent personal visits to the hospital to shower him with love and attention, to even holding our hand and comforting us when we were scared. To Mukesh Bhai, Neeta Bhabhi, Akash, Shloka, Anand and Isha, you have been our guardian angels on this long and trying experience. What we feel for you cannot be measured. We thank you from the bottom of our hearts for your selfless, unending support and attention. We feel truly blessed to count you among our nearest and dearest. Sincerely and with utmost gratitude, Neetu, Ridhima, Ranbir and the entire Kapoor family. इससे पहले दिवंगत पति ऋषि कपूर को एक बेहद खूबसूरत तस्वीर के साथ याद किया। इस पोस्ट में न सिर्फ ऋषि कपूर को याद किया है बल्कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा, एक परिवार के रूप में हम गहरा नुकसान महसूस कर रहे हैं। जब हम एक साथ बैठते हैं और पिछले कुछ महीनों में पीछे मुड़कर देखते हैं, हम बहुत आभार महसूस करते हैं। HN रिलायंस अस्पताल के डॉक्टरों का आभार, डॉक्टर तरंग ज्ञानचंदानी के नेतृत्व में डॉक्टरों और नर्सों की पूरी टीम ने मेरी पति का इलाज इस तरह किया जैसे वो उनके अपने थे। उन्होंने हमें इस तरह सलाह दी जैसे हम उनके अपने हैं। मैं अपने दिल की गहराई से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में निधन हो गया था। ऋषि कपूर लंबे समय से कैंसर का इलाज करा रहे थे। 67 ईयर्स की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया।